हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय जीके ग्लोबल पॉइंट। तो फ्रेंड, आज का सवाल नंबर 1, सफेद बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश को, बी असम राज्य को, सी केरल को और डी उत्तर प्रदेश को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश को सफेद बाघों का राज्य कहा जाता है। आपका दूसरा सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 28 राज्य, बी 29 राज्य, सी 27 राज्य और डी 30 राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 28 राज्य है। आपका तीसरा सवाल है, शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है? आपका ऑप्शन है ए दिल, बी फेफड़ा, सी तंत्रिका तंत्र और डी दिमाग। इसका सही जवाब हो जाएगा डी दिमाग। आपका चौथा सवाल है, भारत के किस राज्य को स्वर्ग कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू एंड कश्मीर को, बी असम को, सी उत्तराखंड को और डी बिहार को। इसका सही जवाब हो जाएगा ए जम्मू एंड कश्मीर को। अगला सवाल है, यानी कि आपका पांचवा सवाल है, भारत में कुल कितने जिले हैं? आपका ऑप्शन है ए 605 जिले, बी 650 जिले, सी 700 जिले और डी 726 जिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 726 जिले। आपका छठा सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए कुशीनगर में, बी बोधगया में, सी सारनाथ में और डी लुम्बिनी में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी बोधगया में। आपका सातवां सवाल है, वो कौन सा प्राणी है जिसका सिर कट जाने के बाद भी जिंदा रहता है? आपका ऑप्शन है ए तितली, बी खरगोश, सी बिल्ली, डी काकरोच। इसका सही जवाब हो जाएगा डी काकरोच। आपका आठवां सवाल है, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 7 खिलाड़ी, बी 10 खिलाड़ी, सी 12 खिलाड़ी और डी 8 खिलाड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 7 खिलाड़ी। आपका नौवां सवाल है, भारत का सबसे पसंदीदा भोजन क्या है? आपका ऑप्शन है ए खिचड़ी, बी दाल चावल, सी रोटी सब्जी और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए खिचड़ी। आपका दसवां सवाल है, चीनी यानी कि शुगर की खोज किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए चीन में, बी भारत में, सी अमेरिका में और डी पाकिस्तान में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी भारत में। आपका एक ग्यारहवां सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नाइट्रोजन। आपका बारहवां सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 अगस्त को, बी 14 सितंबर को, सी 14 नवंबर को और डी 10 जून को। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका तेरहवां सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपका ऑप्शन है ए 5 वर्षों बाद, बी 4 वर्षों बाद, सी 6 वर्षों बाद और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी 4 वर्षों बाद।
आपका 14वां सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी कावेरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका 15वां सवाल है, छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल किला को, बी बीबी के मकबरा को, सी इमामबाड़ा को और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी बीबी के मकबरा को। आपका 16वां सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा ए राष्ट्रपति। आपका 17वां सवाल है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सामान्य नमक और डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिंपल नमक यानी कि साधारण नमक। आपका 18वां सवाल है, मनुष्य के चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन है ए 14 हड्डी, बी 20 हड्डी, सी 25 हड्डी और डी 32 हड्डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 14 हड्डी। आपका 19वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? आपका ऑप्शन है ए खिचड़ी, बी दाल चावल, सी रोटी सब्जी, डी दाल चावल सब्जी। आपका सही जवाब हो जाएगा ए खिचड़ी। आपका अंतिम सवाल और 20वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? आपका ऑप्शन है ए गोभी, बी बैगन, सी आलू, डी कद्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कद्दू।